हेलो माय लवली, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। एंड आज मैं आपके शेयर करने वाली हूँ संगीत मेकअप लुक। तो आपको पता है, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेडिंग मेकअप सीरीज, जिसमें मैं आपके साथ हल्दी मेकअप लुक, मेहंदी मेकअप लुक एंड इंगेजमेंट मेकअप लुक वगैरह शेयर कर रही हूँ। अगर आपने बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियोज़ देख सकते हो। एंड या बिना नहीं वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये लॉरियल पैरिस का रुविल्टा लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। ये बेसिकली एक टोनर है, ये स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम करता है एंड इसमें ना सैलिसिलिक एसिड भी है जो आपके एक्ने को भी ट्रीट करने में हेल्प करेगा। एंड उसके बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का एप्पल साइडर विनेगर फेस मॉइस्चराइजर। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है एंड अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है ना तो ये उसको भी कम करने में हेल्प करेगा, रिपेयर करने में हेल्प करेगा। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का क्रेज प्राइमर। अगर आपकी ड्राई स्किन होना एक्सट्रीमली तो आपको उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये ऑयल बेस्ड प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड, बहुत अच्छा प्राइमर है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन इन द शेड 320। ये मेरा परफेक्ट मैच है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। गाइस ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है लैक्मे, इसके अलावा कोई जल्दी कंसीलर अप्लाई करती ही नहीं हूँ। उसके बाद मैंने अप्लाई किया है ये ब्लू हेवन का प्रेप एंड फिक्स मेकअप फिक्सर। या किसी को हाइड्रेट करता है, आपके मेकअप को सेट करता है। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पाउडर अपने कंसीलर को और फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के लिए। तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज अच्छी खासी वीडियो की बैंड बज गई, बहुत ज़्यादा नॉइस ओवर हो रहा था, बाहर काम चल रहा था इसलिए। उसके बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYW का कॉन्टोर। इसका शेड वगैरह मुझे नहीं याद है, ठीक है। अगर आपको पता करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। और नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कप्स एंड लैशेज का ब्लश इन द शेड रिबन फॉर यू। एंड ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड अफोर्डेबल भी। उसके बाद मैं अपने ब्राउज को सेट कर लूँगी एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का आईब्रो जेल। इसका नाम अच्छे से याद नहीं, बट ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं चीज़ों के नाम बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद में हम करेंगे आई मेकअप एंड उसके लिए मैं पे यूज़ कर रही हूँ ये कप्स एंड लैशेज एक्स शाई स्टाइल आई शेडो पैलेट। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल आई शेडो पैलेट गाइज बाय द वे। एंड हम बहुत ही सुंदर एक ग्लिटर आई मेकअप लुक क्रिएट करेंगे इससे, ठीक है। और बहुत ही मतलब ऐसे 10-15 मिनट में हो जाएगा, 10-15 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ वैसे, ठीक है। एंड बहुत ही ईजी है इस आई मेकअप लुक को क्रिएट करना। सो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे मैंने ये आई मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो इस पैलेट से मैंने सबसे पहले एक न्यूड पिंक कलर लिया है, उसको मैंने अपने अपर क्रीज पर अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया ताकि कोई हार्श लाइन ना लगे। एंड उसके बाद मैंने अप्लाई किया अपने क्रीज पर डार्क ब्राउन शेड। अपने आउटर वी पे भी मैंने डार्क ब्राउन शेड ही अप्लाई किया है और आउटर वी को थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने अप्लाई किया है ब्लैक आई शेडो। उसके बाद मैंने कट क्रीज बना ली। कट क्रीज बनाने में हमेशा ना मुझे दिक्कत होती है, बस इस बार नहीं हुई, मेरे से हाथ कांपने लग गए। अगर आप भी करते हैं ना तो प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद कट क्रीज को अच्छे से पाउडर से सेट करना है। उसके बाद मैंने सेम पैलेट की हेल्प से ना अप्लाई किया है ये ब्यूटिफुल शिमर शेड जो कि गोल्डन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट ना फिंगर से ही अप्लाई करना पड़ता है मुझे हमेशा, ब्रश से कोई भी शिमर शेड ना अप्लाई होता ही नहीं है। तो मैंने ब्रश लिया बाद में और उसको अच्छे से सेट कर लिया जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि कम पड़ रहा है। उसके बाद में ये मैंने ब्यूटीफुल पैलेट लिया है, ये मार्स का ग्लिटर आई शेडो पैलेट। इसमें से ये ब्यूटीफुल गोल्डन शिमर शेड लिया एंड इसको मैं अपने आईलेट पर अप्लाई करूँगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब इससे ना अपने मेरे आई मेकअप में ना 4 चांद लगा दिए थे, इतना सुंदर लग रहा था ये। सो इसको मैंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया, बहुत ही स्मूथली और बटर की तरह अप्लाई हो जाता है, बाय गॉड कसम से। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे एक बोल्ड विंग लाइनर। उसके लिए मैं पे ये यूज़ कर रही हूँ कप्स एंड लैशेज एक्स शाई स्टाइल का ये ब्रश। बहुत ही परफेक्ट आईलाइनर अप्लाई हुआ था दोनों आँखों में, ठीक है।
जो कि बहुत ही रेयरली होता है हमेशा. सो बहुत ही सुंदर लग रहा था. और जो मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है ना, वो है शुगर का जेल आईलाइनर. ये काफ़ी अच्छा है एंड अफोर्डेबल तो नहीं बोलूँगी मैं. 500-600 का जो जेल आईलाइनर होता है वो अफोर्डेबल तो नहीं होता मेरे हिसाब से, तो नहीं होता. इसके बाद मैंने जो क्रीज पे अप्लाई किया था ना, अपर क्रीज पे न्यूट शेड पिंक, वही मैंने अपने लोअर लैशेज पे अप्लाई किया है. और उसके बाद में मैंने अच्छे से अपने जो लाइनर है ना उसको थोड़ा सा जोड़ लिया है. वो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. एंड उसके बाद में मैंने अप्लाई की है ये फेक आई लैशेज. एंड नेक्स्ट मैं फिर फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी. गाइस ये है NYB का हाईलाइटर, मुझे शेड याद नहीं है. ठीक है, अपने फेस को, अपने इनर कॉर्नर्स को, अपने नोज को अच्छे से मैं हाईलाइट कर लूँगी. ये काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है बाय द वे. आई थिंक इसका जो शेड है वो है 04, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉन्जी लुक देता है मुझे. ठीक है, एंड मुझे तो आई मेकअप लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा. हमेशा ऐसे ही होता है, आप कमेंट नहीं करते हो. मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन फील होती है, बहुत खुशी होती है. नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं. उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप लाइनर. उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये मार्स की लिप लाइनर इन द शेड 02. ये परफेक्ट ब्राउन लिप लाइनर है गाइस. उसके बाद में मैंने अप्लाई किया है लिप ग्लॉस. यह कफसम लैशेज का लिप ग्लॉस, मेरा फेवरेट शेड है ये. यह है एज नो बार 02. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल न्यूट शेड. अगर आप डस्की ब्राउन टिन स्किन टोन के हो मेरी तरह, तो आप भी बहुत सुंदर लगेगा. सच्ची बता रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई करना एक बार. एंड आई होप आपको मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा. सो या आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो. एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा. सो गाइस, आई होप आपको मेरा ब्यूटीफुल सा संगीत मेकअप लुक अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो या अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल. ऑल्सो अगर नहीं किया है तो वहाँ पे एक बेल बटन होगी, उसको भी क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा. एंड अगर आप ये मेकअप लुक रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलिएगा. मेरा हैंडल है priya.p87. आप चाहो तो मुझे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी टैग कर सकते हो, जिसका नाम है priya34. सो गाइज, लव योरसेल्फ, बाय, टेक केयर, और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय.